ससुराल में अपनी सास गंगा और पति पंकज के साथ एक छोटे से कमरे में रहा करती थी। अंकिता के ससुराल की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। ऐसे में एक दिन घर से आते समय पंकज का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी हालत गंभीर हो जाती है। ऐसे में अब ना उनके पास कमाने का कोई जरिया रह जाता है और ना ही पंकज के इलाज के लिए पैसे। दोनों सास बहू के पास उनके सर पर केवल एक छत और छोटी सी जमीन का टुकड़ा रह जाता है, जिसमें पंकज ने कुछ सब्जियां उगाई थी। गंगा और अंकिता इस सदमे से उबरने की कोशिश कर ही पाते कि तभी कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप फैलने लगता है और शहर भर में लॉकडाउन लग जाता है और अब उनके पास खाने की भी नाली पड़ जाती है, जिस पर एक दिन गंगा अपने सर पर हाथ रख अपनी बहू से बोलती है, अरे फूटी किस्मत, घर में नहीं है लाना, ऊपर से समाज बंदा खाना, ये क्या हो रहा है। अरे बहू, घर में सिवाय इन सब्जियों के कुछ नहीं है और आटा बस ये ही है थोड़ा। आज ऐसी हालत हो गई है, हे भगवान, कैसे करेंगे हम अपने पंकज का इलाज। आए सोचा था कि इस लॉकडाउन में कई झाड़ू पोछा करके चार पैसे कमा लूंगी, घर की हालत सुधर जाएगी, पर आए राम ये लॉकडाउन, आए इसने तो सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। आए माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस बुरे समय में हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हम सभी को एक परिवार, एक ताकत बनकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। आप आराम से बैठिए और पंकज जी ने जो सब्जियाँ लगाई थी मैं आज उन्हीं में से कुछ बना लेती हूँ, फिर उन्हें दवाई भी तो देनी है ना। अंकिता बाहर से सब्जियाँ तोड़ उससे थोड़ी सी सब्जियाँ बना लेती है और पंकज को खाना खिलाकर दवाई देकर सुला देती है और फिर वो अपना घर कैसे चलाए इस सोच में डूब जाती है। तभी उसकी सास गंगा अपनी बहू से उस जमीन के बारे में बात करने लगती है कि तभी माँ जी, हम अपनी कोने वाली छोटी जमीन को नहीं बेचेंगे, बल्कि अब से मैं सब्जियाँ बेचा करूँगी। अरे बहू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अपनी उस जमीन में सब्जियाँ भी बहुत उगती है। अंकिता और गंगा सब्जियाँ तोड़ उनको साफ पानी से देती है और साफ करके घर में रखी कुछ पुरानी टोकरियों में भर लेती है। अंकिता उन टोकरियों को पंकज की साइकिल पर बांध लेती है और साथ ही सब्जियां तोलने के लिए तराजू भी रख लेती है और मुंह पर मास्क लगाकर हाथों में ग्लव्स पहनकर घर से सब्जियां बेचने के लिए निकल पड़ती है। सब्जी लेना सब्जी। अंकिता पूरे दिन गलियों में घूम घूम कर सब्जियां बेचती है, उसकी ताजी हरी सस्ती सब्जियां ग्राहकों को अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण उसकी खूब बिक्री होती थी। माँ जी, ये काम हमारे लिए बिल्कुल सही साबित हो रहा है, बिना एक रुपया भी इन्वेस्ट किए आज हमें 1000 से 1500 रुपए का मुनाफा हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम पंकज जी का इलाज जल्दी ही करवा सकेंगे। आप टेंशन मत कीजिए, ऊपर वाला हमारे साथ है और सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। पर बहू, तक कुछ ही दिनों में पेड़ की सारी सब्जियां खत्म हो जाएंगी और उनमें दोबारा सब्जियां आने में बखत तो लगेगा ही। माँ जी, हम ना सीजन के हिसाब से सब्जियां उगा कर बेचेंगे और जब ज्यादा पैसे होंगे तब हम मंडी से भी लाकर सब्जियां बेच सकेंगे। मैं कल ही आजादपुर मंडी जाकर सब्जियां ले आती हूँ और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि सब्जियों की जरूरत तो हमेशा ही होती है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे ना हो। और अगर अब लॉकडाउन बढ़ भी गया तो हमारा ये काम बिल्कुल बंद नहीं होगा। माँ जी, अंकिता आज के कुछ पैसों को जमा कर अगले ही दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी जाकर सस्ते दामों पर कुछ सब्जियां ले आती है और शाम को घर पहुंचकर एक बार फिर दोनों सास बहू हिसाब करती है और देखती है कि इस बार कल से 30% का अधिक मुनाफा हुआ है। अब दोनों सास बहू ऐसा ही करती है। गंगा छोटी गलियों में जाकर कम दामों पर सब्जियां बेचती
और अंकिता रहीस इलाकों में, पर वहाँ एक सिक्की नाम के लड़के की नजर अंकिता पर होती है और वो रोज उसको चुपके चुपके देखा करता। पर इन सब से अनजान अंकिता अपने सब्जी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती और साथ में अपने पति का इलाज भी। अब पंकज की हालत में काफी सुधार हो जाता है और वो वापस से चलने फिरने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, अंकिता तुम बहुत बहादुर और सबसे अच्छी वाइफ हो। इस पूरे समय पर भी तुमने हार नहीं मानी और अपने खुद के दम पर ये छोटा सा सब्जी का बिजनेस शुरू कर दिया। तुम देखना, मैं जैसे ही पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, हम इस छोटे से बिजनेस को बड़ा करेंगे। अरे बहू है, और अब तो लॉकडाउन भी मुआ खुल गया है, बस मेरा बेटा जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाए। अभी चली सब्जी लेकर, आज वैसे भी बहुत लेट हो गया। हाँ, गंगा अपनी सब्जियां लेकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद अंकिता भी सब्जी लेकर चली जाती है। आज और दिन से लेट हो जाता है, इसलिए उसको घर आने में भी लेट हो जाता है। वो अपनी बची कुची सब्जी को लेकर घर आ ही रही होती है कि विक्की उसको रास्ते में रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ कर बोलता है, शक्कर उस सब्जी देखो, हमें क्यों नहीं कुछ देती? हमें भी कुछ देकर खुश करो, हम तुम्हें पैसे देकर खुश कर देंगे, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, बस हमारे हो जाओ। छोड़ दो मुझे, मैं शादीशुदा हूँ और अब मुझे अपने घर जाने दो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, छोड़ो मुझे। तुम इतनी सुंदर हो कि हमारी आंखें बस अब तुम्हें ही देखना चाहती है। विक्की उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वही दूसरी ओर गंगा और पंकज को अंकिता की चिंता होने लगती है कि इतनी रात हो गई और अब तक अंकिता घर ही नहीं आई। पंकज घबराते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ अंकिता कहाँ सब्जी बेचने जाती है, मुझे बताओ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। अरे अरे वो जो पास में रहीसों का इलाका है ना, उसी में बेचती है सब्जी। मैं अंकिता को ढूंढने जा रहा हूँ। रुक बेटा, मैं भी चलती हूँ, पता नहीं कहाँ है बहू। गंगा अपने गली वाले कुछ लोगों की मदद लेती है और पंकज और बाकी सब अब अंकिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ वो देखते हैं कि अंकिता मदद के लिए चिल्ला रही है और विक्की उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। सारे लोग मिलकर विक्की को मारते हैं और तुरंत पुलिस को बुलाकर उसको सलाखों के पीछे कर देते हैं और अंकिता वहाँ सब्जियाँ बेचना छोड़ घर से थोड़ी ही दूरी पर दुकान खोल लेती है और अपने घर वालों के साथ मिलकर अपना सब्जियों का बिजनेस आगे बढ़ा और कुछ ही सालों में वो एक नया मुकाम हासिल कर लेती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।